हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हाइटा इंडस्ट्रीज़ की इट्स पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, ये यूज़र चॉइस टॉपिक है। आप ही लोगों में से बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी, तो इसलिए हम इस टॉपिक पे वीडियोस को बना रहे हैं। तो इस पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये टॉपिक है पूरा डिटर्जेंट पाउडर को कैसे बनाया जाता है, पहले के फॉर्मुलेशंस कैसे होते थे डिटर्जेंट पाउडर के, लोग ये जानना चाहते हैं। आज जो हमारे चैनल को देखते हैं उसमें हम लोग नए फॉर्मुलेशन डालते हैं, ऐसे प्रीमिक्स वगैरह ये सब चीज़ें डालते हैं। तो लोगों का ये सवाल था कि सर, जो आप तो नया बता रहे हैं, पुराना भी बताइए, ताकि हम दोनों वीडियोस को कंपेयर कर पाएँ कि क्या दुनिया में चेंज आया है, क्या आपने चेंज लाए हैं आप इस इंडस्ट्री में। तो हम ये जो वीडियो लेके आए हैं, ये वॉशिंग पाउडर बनाने का प्रोसेस जो पहले से चला आ रहा है, उसको लेके हमने वीडियोस को सोचा कि एक पूरी सीरीज लेके आते हैं। तो इस पर हम आज जो पहला हमारा वीडियो है, इस पर है कि आज हम आपको पूरा जिस्ट देंगे, फिर इस पर हम एक नया वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम बनाना भी सिखाएंगे। बहुत सारे लोग मेरे से बोलते हैं कि सर, आप जो ट्रेनिंग देते हैं उससे हमको बहुत लाभ होता है, बहुत फ़ायदा होता है। आप जो छोटी छोटी बातें बताते हैं, आप जो छोटे छोटे पॉइंट्स को पकड़ के हमको सिखाते हैं, इससे हमको फ़ायदा होता है, इससे देखिए मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। आप लोग जब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा मोटिवेशन बहुत बढ़ता है। तो मैं बस यही बोलूँगा कि सर, आप लोग एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज़ में हमारी फैमिली 1967 से काम कर रही है, तो मेरे पास जो ज्ञान मिलता है मुझे भी, वो ज्ञान मुझे मेरी फैमिली के प्रायर एक्सपीरियंसेस से ही मिलता है। और यही चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग मेरे थ्रू पुराना और नया ज़माना क्या चल रहा है ये जानें और सीखें। तो आज इसी बात पे पूरा टॉपिक है। ये ओल्ड फॉर्मुलेशन स्टाइल है डिटर्जेंट पाउडर बनाने का। बहुत सारे लोगों ने मेरे से कहा कि पहले क्या क्या आइटम यूज़ होते थे, अब क्या क्या होते हैं, तो मैं आपको ये आज वही बताने जा रहा हूँ। इस बोर्ड पे मैंने सब लिख रखे हैं, एक एक करके मैं आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा। सब्सक्राइब कर लीजिए आगे बढ़ने से पहले, आपके पास मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहेगी। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हम आपसे रोज़ कनेक्ट शायद ना हो पाए, आप मेरा वीडियो स्किप हो जाएगा, खो जाएगा, क्योंकि YouTube बहुत बड़ा सागर है। अगर मेरा वीडियो खो गया तो आपको ढूंढने में दिक्कत आएगी। तो आप सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा दीजिए और बेल नोटिफिकेशन बटन उसको भी दबा दीजिए, ताकि आपके पास मेरी नोटिफिकेशन रेगुलर आपके पास आती रहे, रोज़ आती रहे। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, आज मैं आपको जो बता रहा हूँ वॉशिंग पाउडर बनाने में, सबसे पहले मैंने बताया भी हुआ और मैं फिर से मेरे नए दर्शकों को बता देता हूँ कि देखिए, ये जो फोम झाग सबसे ज़्यादा इंडिया में लोगों को चाहिए होती है, फोम झाग। तो झाग बनाने के कौन कौन से आइटम होते हैं, तो सबसे पहले देखिए मैंने टॉपिक लिखा है ऊपर फोम। फोम का मतलब होता है झाग। वॉशिंग पाउडर से एक्सपेक्टेशन ये होती है इंडिया में कि झाग बने, फोम बने, पानी में डालने पे झाग बने। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा लोग पहले, और अभी भी लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पहले जब ये 1967 और 8 या 70s के आसपास की बात है, तब ये नए जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ये एसिड स्लरी, ये एक मेन प्रोडक्ट है, अभी भी मेन प्रोडक्ट की तरह लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से ये चला आ रहा है। एसिड स्लरी डालते थे पहले, ये AOS और SLES नहीं आया था। ये AOS और SLES ये 90 के बाद आया है, 1990 के बाद इंट्रोड्यूस हुआ है। और एक्चुअली AOS और SLES इंट्रोड्यूस जो हुआ था, वो हुआ था आपके शैम्पू के लिए, क्योंकि लोगों ने देखा कि इससे झाग बनती है, तो स्लरी के दाम को कम करने के लिए, क्योंकि इनके दाम स्लरी के कंपेयर में कम होते हैं लिक्विड फॉर्म में, तो इसको लोगों ने डालना शुरू कर दिया स्लरी का अल्टरनेट मान के। और यही प्रथा आज भी चली आ रही है, आप भी ये यूज़ कर सकते हैं। ये जो आया था 1970s के आसपास से स्लरी चली आ रही है, और 1990s प्लस से आपका सोडियम लॉरल ईथर सल्फेट और AOS अल्फा ओलेफिन सल्फेट, ये दो आइटम चले आ रहे हैं। AOS उसको शॉर्ट में बोलते हैं। ये फोम बूस्टर्स हैं झाग बनाने के केमिकल से, इससे झाग बनाया जाता है, अभी भी आप यूज़ कर सकते हैं। इनके अब विकल्प भी आ गए हैं, अगर आप नए फॉर्मुलेशन चाहेंगे तो मेरे कई वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, आप हाइट्रान प्रीमिक्स डालिएगा या हाइट्रान OTPs डालिएगा तो आपके सामने आ जाएंगे। अगर आप फिर से चाहते हैं कि मैं एक वीडियो ऐसा भी बनाऊं कि पुराना स्टाइल ऑफ वीडियोस में कैसे मतलब वॉशिंग पाउडर बनता था और नए स्टाइल में क्या क्या आइटम डलते हैं, इसका एक कंपैरिजन वीडियो बनाऊं, अगर ऐसा है, अगर आपको ऐसे मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। अगर मेरे पास ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं इस पर भी वीडियो लेके आऊँगा। सेकेंड चीज़ होती है क्लीनिंग, सफाई। देखो, सफाई वॉशिंग पाउडर का मेन पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है। क्लीनिंग के बिना वॉशिंग पाउडर का महत्व ही नहीं है। क्लीनिंग में
क्योंकि स्लरी पड़ती है, स्लरी को न्यूट्रलाइज करने से सोडा डालने लग गया लोग। सोडा इसलिए डालते हैं, न्यूट्रलाइज का मतलब क्या है, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता कि न्यूट्रलाइज का मतलब क्या होता है। देखिए क्या होता है कि स्लरी जो होती है ये एसिडिक होती है, इसका जो पीएच होता है, पीएच हर एक केमिस्ट्री में हर एक आइटम का होता है, कोई भी लिक्विड होगा, कोई भी आइटम होगा लिक्विड फॉर्म में, उसका पीएच वैल्यू होती है। जनरली आपके ब्लड का भी पीएच होता है, स्लरी का भी होता है, एओएस का भी होता है, सभी आइटम्स के पीएच वैल्यूज निकाली जाती हैं। तो हमको ओवरऑल जो पीएच निकालनी होती है, जो पीएच वैल्यू है वो 10 के आसपास रखनी होती है एक अच्छा वॉशिंग पाउडर बनाने के लिए। अब क्योंकि स्लरी एसिडिक है, इसको 10 रखने के लिए, इसकी पीएच वैल्यू को बढ़ाने के लिए, इसकी पीएच वैल्यू एसिडिक है तो इसकी पीएच वैल्यू 1 के आसपास होती है, इसकी पीएच वैल्यू 1 से 10 करने के लिए आपको सोडा डालना पड़ता है। सोडा होता है बेसिक, बेसिक का मतलब होता है कि ये आपका जो इसकी पीएच वैल्यू है लगभग इसकी 11 प्लस रहती है, 11 पॉइंट समथिंग होती है। तो जो भी सोडा होगा आपको 2.5 से 3 गुना लेना होगा स्लरी के मुकाबले, तो ये न्यूट्रलाइज हो जाती है। ये देखिए ओल्ड स्टाइल ऑफ, या अभी भी कह लीजिए लोग फॉलो कर रहे हैं इसको, ये वॉशिंग पाउडर बनाने का तरीका है। लोग जनरली सोडा स्लरी से ही वॉशिंग पाउडर पहले बना लेते थे, एओएस ओएस तो बाद में आया है, इसके बाद इसमें लोग कास्टिक ले लेते थे। कास्टिक जो सोडा है ये भी न्यूट्रलाइज करता है, इसकी पीएच 14 होती है चिप्स फॉर्म में, ये पत्ती फॉर्म में होता है चिप्स फॉर्म में, फिर इसको लिक्विड बनाया जाता है तो उसकी पीएच 12 के आसपास आ जाती है। लोग कास्टिक सोडा एसिड सरी लेके ही वॉशिंग पाउडर बना लेते थे, ये सिर्फ 3-4 आइटम्स ही वॉशिंग पाउडर बन जाता था पहले, लेकिन क्योंकि इन चीज़ों के दाम अभी बढ़ गए हैं तो अब वो सस्ता वॉशिंग पाउडर इनसे नहीं बनाया जा सकता। तो वॉशिंग पाउडर बनाने के लिए कई और आइटम भी डाले जाते हैं, क्योंकि पहले देखो आइटम्स भी कम थे, लोगों को कुछ ही आइटम्स मिलते थे, प्लस पहले के ज़माने में ज़्यादा रिसर्च भी नहीं हो रखी थी। देखिए कपड़ा एक तरीके का नहीं होता है, आप जब कपड़ा पहनते हैं वो कॉटन हो सकता है, पॉलिएस्टर हो सकता है, टेरिलीन हो सकता है, टेरिकॉट हो सकता है, किसी भी तरीके दसियों वेल के कपड़े हैं, दसियों हज़ारों मेल के दाग लगते हैं, सब कुछ सोडा कास्टिक और स्लरी से साफ नहीं हो सकते। तो इसलिए कई आइटम्स ऐसे इंट्रोड्यूस धीरे धीरे करके हुए हैं। हमारी फैमिली ने 1974 से सोडियम मेटासिलिकेट का प्लांट लगाया था। सोडियम मेटासिलिकेट बहुत ही अच्छा डिक्रीजिंग एजेंट है। सोडियम मेटासिलिकेट का मतलब है, ये होता है SMS भी इसको कहते हैं, ये कफ कॉलर में जो मैल लग जाता है ना, ये क्या होता है कि बॉडी से पसीना निकलता है ये गर्मियों में, और ये सब यहाँ पे चिपक जाता है, और इस पर मिट्टी तो हवा में उड़ी रही है अपने भारत में, तो ये आके यहाँ पे चिपक जाती है तो ये काला हो जाता है। तो ये कफ कॉलर के मैल को साफ करने का बहुत ही अच्छा आइटम है सोडियम मेटासिलिकेट, ये डिक्रीजिंग एजेंट है, अच्छा क्लीनिंग एजेंट है। हमने इस पर कई वीडियोज़ बनाए, आप हमारे चैनल पर जाके इसको सर्च कर सकते हैं, हमारे चैनल का नाम है हाइट्रॉन इंडस्ट्रीज़। एक बार फिर से सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा जो अभी तक जिसने भी नहीं दबाया हो, क्योंकि मैं देखिए जो आपको बातें बता रहा हूँ इससे हिस्ट्री भी जुड़ी है, प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी जुड़ा है, आप अभी समझेंगे। अब देखिए ये जो TSP है, ये होता है ट्राई सोडियम फॉस्फेट, ठीक है। फॉरेन में फॉस्फेट जनरली बैन है, पर इंडिया में अभी इस पर कोई बैन नहीं है। तो TSP बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो वाटर सॉफ्टनिंग भी करता है और सफाई भी करता है, ये सफाई में भी काम करता है और वाटर सॉफ्टनिंग मतलब खारेपन को भी कम करता है, तो ये दोनों ही काम में लिया जाता है। इससे आपके जो कपड़े हैं, आपके कपड़ों पे जो मैल होता है वो नीचे इसको सेटल कर देता है ये, तो और सफाई तो क्योंकि अच्छी करता ही है ये, और ये झाग में भी थोड़ा बहुत रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें खुद में कोई झाग नहीं होती है, लेकिन क्योंकि ये डालने से हल्की फुल्की झाग बढ़ जाती है, क्योंकि वाटर सॉफ्टनिंग पानी का खारापन कम हो जाता है तो झाग सफाई भी थोड़ी बहुत बढ़ जाती है। इसके बाद हम लोग इसमें लेते हैं स्टेन रिमूवर। स्टेन रिमूवर का मतलब होता है जिद्दी दाग हटाने का केमिकल। इसमें देखिए कई आइटम आते हैं, सोडियम परकार्बोनेट, सोडियम परबोरेट, एंजाइम्स, महंगे सस्ते सब तरीके के आते हैं। हमने एक प्रोडक्ट डेवलप किया था हाइटॉक्स के नाम से, ये काफ़ी सालों से हम लोग इसको चला रहे हैं, कम से कम 20-22 साल से हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट बन रहा है। ये जिद्दी दाग को हटाता है, जैसे खून के दाग, ग्रीस के दाग, इंक के दाग जो आसानी से नहीं साफ़ होते हैं। आज के ज़माने में ग्रीस साइकिल चलाते हैं गांव में लोग, ग्रीस लग जाती है, उसको साफ़ करने के लिए चाहिए। तो ये प्रोडक्ट है, ये एक कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब है कम दाम में ज़्यादा वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं हाइटॉक्स के नाम से। स्टेन रिमूवर अपने क्लीनिंग सेगमेंट में हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि कपड़े में जिद्दी दाग लगी जाते हैं और आसानी से सोडे से और कास्टिक से नहीं जाते हैं। अच्छा कास्टिक की बात करते हैं, अभी हमने कास्टिक का थोड़ा बहुत आपको जिक्र किया था,
कास्टिक एक तरीके से पीएच बैलेंसर है, ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है। कास्टिक को लिक्विड डिटर्जेंट में भी लेते हैं, हैंड वॉश में भी कुछ लोग डालते हैं, जहाँ पे भी स्लरी यूज़ करते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए लोग कास्टिक ले लेते हैं, और ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है। कास्टिक एक रॉ मटेरियल है, बेस रॉ मटेरियल है, और इसकी पीएच सबसे ज़्यादा होती है, 14 होती है। हाईली बेसिक हाईली अल्कलाइन प्रोडक्ट है ये, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जनरली पीएच को बैलेंस करने के लिए लेते हैं, तो इसलिए मैं इसको पीएच बैलेंसर बोलता हूँ। जनरली जिनका भी पीएच वैल्यू हमको सेट करनी होती है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे हैंड वॉश है उसकी पीएच 7 से 8 तक हमको लेनी होती है, ज़्यादा नहीं कर सकते। डिश वॉश है 6 से 7 उसकी पीएच होती है, तो उसमें कास्टिक का रोल प्ले होता है, वहाँ सोडा नहीं लगता है, वहाँ पे कास्टिक लिक्विड फॉर्म में ली जाती है। तो और अगर आपको ऐसी जानकारी चाहिए तो हमारे पास देखिए एक वेबिनार, अभी हमारा 21 मई को वेबिनार है और ये संडे वाले दिन है, मात्र 500 रुपीज़ इसकी फ़ीस है। इसमें ट्रेनिंग में हम लोग डिश वॉश या हम आपको हैंड वॉश में से कोई एक चॉइस का प्रोडक्ट बताएंगे। कमेंट करके मुझे बताइए कि आप क्या सीखना चाहते हैं। अगर मेरे पास तब तक डिश वॉश की इंक्वायरीज ज़्यादा आएंगी तो मैं डिश वॉश सिखाऊंगा, और साथ में टॉयलेट क्लीनर तो मैं सिखा ही रहा हूँ, ये आइटम फिक्स है। डिश वॉश और हैंड वॉश में चॉइस है, आप जो सीखना चाहें आप मुझे कमेंट करके बताइए। ज़्यादा कमेंट आएंगे या मैं इस पर एक ओपिनियन पोल भी लगा दूंगा, अगर पोल में मेरे पास ज़्यादा चॉइस आएंगे कि आपको कौन सा आइटम चाहिए सीखना है, तो उस पर मैं पूरा आपको ट्रेनिंग दूंगा। वेबिनार है, संडे वाले दिन है, सीख सकते हैं, घर बैठे सीख सकते हैं, फ़ोन से सीख सकते हैं। आजकल देखिए गर्मी है, धूप है, आने जाने में पैसा खर्चा होता है, तो हम लोग ने सोचा कि वेबिनार ही सबसे बढ़िया ज़रिया है कि जिसके थ्रू हम लोग घर बैठे अपना आराम से अपने माहौल में ही बैठ के अपने फ़ोन से सीख सकते हैं। इन सब पूरे प्रोसेस की वीडियो भी रिकॉर्ड होगी, अगर कभी आपसे मिस हो जाएगा या आपसे छूट भी जाएगा तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी, आप एक ग्रुप में ऐड कर दिए जाएंगे। अभी हमारा एक 9 अप्रैल को वेबिनार था, बहुत सक्सेसफुल रहा, उसमें 70-80 लोग ज्वाइन किया था उन्होंने, तो वो सब फ़ोन के ज़रिए किया था, उनका एक ग्रुप बना दिया गया, उनको भी वीडियोस हमारी रिकॉर्डिंग के भेज दिए गए। इस बार भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे ताकि आपको एक पूरे कोर्स की तरह उसको आपको मिल जाए। जिन लोगों का अभी वेबिनार नहीं भी ज्वाइन कर पा रहे हैं तो वो एनरोल कर सकते हैं एज अ कोर्स, क्योंकि हम उस पर रिकॉर्डिंग करेंगे ही, आपको सीखने को मिलेगा। आफ्टर वेबिनार हम उनको भी वीडियो शेयर कर देंगे, तो हमसे आप जुड़िए ताकि आपको इस तरीके की बहुत बारीक डिटेल्स मेरे थ्रू सीखने को मिले। कंटेंट बहुत है यूट्यूब में, लेकिन देखिए जब फेस टू फेस सिखाते हैं ना, लाइव सीखते हैं ना, तो ज़्यादा समझ में आता है। आपको करना कुछ नहीं, पेपर पेन लेके बैठ जाइएगा, अपने डाउट्स नोट कर लीजिएगा, हम लोग एक Q&A भी करेंगे, इसमें आपका क्वेश्चन एंड आंसर्स राउंड होगा, जिसमें आपके क्वेरीज हम लोग कोशिश करेंगे कि हम आपको बताएं। हमने इस बार भी यही किया था, बहुत सारे लोगों को अच्छा लगा, समझ में आया। तो सीखने के लिए बहुत कुछ है, सिखाने के लिए मेरे पास भी बहुत ज्ञान है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी घर बैठे एक अच्छा व्यापार करना सीखें तो ज़रूर मेरे वेबिनार्स को ज्वाइन करिए, बहुत कम दिन रह गए हैं। आज 7 या 8 तारीख है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और ये 21 को है तो 10-12 दिन रह गए हैं, तो आप जल्दी से जल्दी हमारी टीम से कनेक्ट करके वेबिनार को ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज अगर कहीं रह जाएगा तो फिर आप बहुत कुछ मिस कर देंगे इस तरीके का। तो अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में। अब ये देखिए, वाटर सॉफ्टनिंग के केमिकल्स भी हमको डालने पड़ते थे पहले भी, बहुत सारे लोग इसको पहले नहीं डालते थे, फिर धीरे धीरे पता चला कि झाग में समस्या आ रही है, स्लरी सोडा और ये सब तो चीज़ें डाल लेते, लेकिन सफाई भी कम कर रहा है और झाग भी कम बन रही। क्यों? क्योंकि पानी उस एरिया का बहुत ज़्यादा खा रहा है। अभी आप कभी भी राजस्थान की बेल्ट में जाएंगे, आगरा की बेल्ट में जाएंगे, MP में जाएंगे, पानी बहुत खा रहा है वहाँ पे। 500-600 TDS तो बहुत छोटी बात है, वहाँ पे 5,000-5,000 TDS होता है। तो 5,000 TDS के पानी में अगर आप वॉशिंग पाउडर UP का बना हुआ लेंगे या कहीं का भी बना हुआ लेंगे, कितना भी स्टडी डाल दोगे, कितना भी सोडा डाल दोगे, ना झाग बनेगी ना सफाई बनेगी, तो कॉस्टिंग बहुत आती है। तो हमको फिर हमने उसका रिसर्च करी और लोगों को, बहुत सारे लोगों जो मेरे पास आते हैं वो अपना पानी भी लेके आते हैं मेरे ऑफिस, हमारे यहाँ पे लैब लगी, हम उसको टेस्ट करते हैं उसका TDS, उसके पानी के हिसाब से हम उनका वॉशिंग पाउडर बना देते हैं। तो अब देखिए क्या है कि यहाँ पे पॉलीमर और जियोलाइट जो दो प्रोडक्ट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं। क्यों इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि ये पॉलीमर क्या करता है, लगता बहुत कम है, सिर्फ ओनली 1% है, लेकिन पानी के हार्डनेस को कम कर देता है। हार्डनेस का मतलब है खारेपन को कम कर देगा, जैसे ही खारापन कम होगा झाग बढ़ जाएगी, सफाई बढ़ जाएगी। प्लस पॉलीमर का एक और रोल है, पॉलीमर का रोल ये है कि ये कपड़े पे एक लेयर बना देता है, जो मैल एक बार पानी में कपड़े से निकल गया धोते समय, वापस उसको जमने नहीं देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है वापस मैल ना आ जाए कपड़े में। तो पॉलीमर तो मैं कहूँगा कि 1% आप लोग यूज़ आज भी करिए, पहले भी लोग
अवेयर नहीं थे, लेकिन 90 के बाद लोग धीरे धीरे अवेयर होने लगे। 70s के दशक में कोई नहीं डालता था पॉलीमर, क्योंकि तब इतना ज्ञान नहीं था लोगों को। अब लोग थोड़ा अवेयर हो गए, और जो लोग अभी इस फॉर्मुलेशन से वॉशिंग पाउडर बना रहे हैं वो पॉलीमर यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी। पॉलीमर आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगा बहुत कम दाम पे, बहुत बढ़िया पॉलीमर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए जियोलाइट क्या आइटम है। जियोलाइट जो है ये STPP का सब्स्टिट्यूट है, एक चीज़। दूसरा जो जियोलाइट है ये भी खारेपन को कम करता है। ये पानी में जो खारापन है ना, वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आइंस क्रिएट करते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड। तो जियोलाइट इनसे रिएक्ट करके खारेपन को कम करता है। तो जियोलाइट आप यूज़ करिए, मेरे इस पर वीडियोज़ है मेरे चैनल पे, आप हाइट्रान जियोलाइट डालिएगा, आपको वीडियो दिखेगा, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करिए, यूट्यूब के ब्राउज़र पर डालिएगा हाइट्रान, जो हमारी कंपनी का नाम है, पहला वर्ड ले लीजिएगा और जियोलाइट डालिएगा, मेरे वीडियोज़ आपको आ जाएंगे। चेहरा तो आप शायद पहचान ही रहे, तो यही चेहरा आपके सामने वीडियो लेके आएगा जियोलाइट का। इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको एक सीखने को मिलेगा कुछ, क्योंकि उसमें मैंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है, एक्सपेरिमेंट पे ज़्यादा समझ में आता है। तो जियोलाइट आप डाल सकते हैं, ये 2-3% तक डालना चाहिए, ये मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। बाकी मर्ज़ी आपकी, ये ज़्यादा भी डाल सकते हैं या आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे सिखाने के बाद भी बहुत सारे लोग हैं वो अपने ही फॉर्मुलेशंस बनाएंगे, मुझे पता है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर कोई समस्या आ रही है मेरे किसी भी भाई को, वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है और मैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास हर मर्ज की दवा है। तो पानी का खारापन बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर सॉफ्टनिंग का ध्यान रखिए। जहाँ पर पानी ज़्यादा खारा है वहाँ पर वाटर सॉफ्टनिंग केमिकल्स डालने चाहिए आप लोगों को। अगर आप मिस कर रहे हैं, नहीं डाल रहे हैं, तो आपका पाउडर कुछ ना कुछ कमी लेके जा रहा है। ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव वे होता है जिससे आप अपने कम बजट से झाग और सफाई बढ़ा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ का निवारण सोडा बढ़ाना है, हर चीज़ का निवारण स्लरी बढ़ाना है, हर चीज़ का निवारण AOS डालना है, ऐसा नहीं है। अगर आप ये भी ध्यान रखेंगे ना, तो आपको ये कम डालना पड़ेगा और आपका ऐसे ही झाग सफाई बढ़ जाएगा। ये मैं एक्सपेरिमेंट्स कर चुका हूँ, मैंने कई लोगों को दिखाया है। ये तो वही है कि जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको तो बहुत बढ़िया मज़ा आ रहा है, जो शायद अभी फॉलो नहीं कर पाए या इनको अभी नहीं पता है वो कर सकते हैं। ये दोनों आइटम आपको मेरे यहाँ से भी मिल जाएंगे, बाज़ार में सर्च करेंगे शायद आपको वहाँ से भी मिल जाएंगे। मैं इनका मैन्युफैक्चरर हूँ काफ़ी सालों से, कई अच्छे रेट पे दे दूँगा। बाकी आप देख सकते हैं इनके रेट आपको और भी जगहों पर मिल जाएंगे, आप लोग इंडिया मार्ट वगैरह सर्च करते ही हैं तो इंडिया मार्ट से भी देख सकते हैं। बाकी देखिए, हम लोग अब आ जाते हैं नेक्स्ट आइटम, नेक्स्ट सेगमेंट में। इसमें हम लोग देखते हैं ब्राइटनिंग एजेंट। ब्राइटनिंग एजेंट का मतलब होता है चमक लाने के केमिकल। आप कपड़ा धो दिया, फीकापन ना दिखे, चमक आए, तो इसमें हम लोग ब्राइटनिंग एजेंट डालते हैं। इसमें जनरली लोग टीनोपॉल और CBX डालते हैं। ये भी 1990 से लगभग ईजाद हुआ है, ये अभी बहुत हाल फिलहाल ही आइटम है, ये सब 20-25 साल पुराने आइटम हैं, बहुत पहले नहीं आते थे, ये 20-25 साल से ही लोग यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद फिलर्स डाले जाते हैं। फिलर्स का मतलब होता है सस्ता करने के लिए, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 50-60-70% पार्ट आजकल वॉशिंग पाउडर का यही है फिलर। ज़्यादातर देखो सब डोलामाइट, सब नमक, सब डोलामाइट, सोडियम सल्फेट, यही सब डालते हैं। ये आजकल तो नए नए भी आइटम आ गए हैं, मैं नाम नहीं ज़्यादा लेना चाहता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा वैसे ही लंबा बन रहा है। आप अपने हिसाब से खुद समझदार हैं जो वीडियो देख रहे हैं। ये आइटम ज़्यादा मिलते हैं, आसानी से मिल जाते हैं, इन्हीं तक रहिए, बहुत ज़्यादा आइटम्स में मत जाइए, नई नई चीज़ें मत ट्राई करिए। फिलर्स कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। कॉस्ट इफ़ेक्टिव का मतलब है कि आपके कॉस्टिंग को कम करने के लिए आपको डालने पड़ते हैं, तो रेट कंट्रोल करना है, फिलर्स डालिए। ये भी सालों से पड़ रहा है, सॉल्ट और डोलामाइट काफ़ी सालों से पड़ रहा है, और सोडियम सल्फेट्स, सर्फ एक्सल वगैरह जैसी बड़ी कंपनियां हैं और टाइड जैसी बड़ी कंपनियां सब यूज़ करती हैं अपने केमिकल्स में। ये भी यूज़ करती हैं, वो वाटर सॉफ्टनिंग केमिकल्स भी यूज़ करती हैं, क्लीनिंग के केमिकल्स, ये सब चीज़ें वो लोग यूज़ करते हैं। वो भी अपने कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे हमारी कंपनी में भी आपने देखा होगा वीडियोस कई, अगर जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने देखा होगा, हम लोग भी कई कंपाउंड्स बना रखा है हमने, हाइट्रान प्रीमिक्स, हाइट्रान OT पेस्ट, और ये सब भी एक कंपाउंड बनाए। जैसे बड़ी बड़ी कंपनी जैसे घड़ी है, उसमें भी कंपाउंड्स चलते हैं। अगर आप पता करेंगे तो एक डिस्पा के नाम से है, फिनोलेक्स या फिनोक्रीन के नाम से है, उन्होंने भी अपने कंपाउंड्स बना रखे हैं। वो भी सोडा सरी सब कुछ डाल लें, साथ में अपने कंपाउंड्स भी यूज़ करते हैं ताकि सीक्रेसी रहे, ताकि फॉर्मुलेशन अच्छे रहें। अगर आप भी चाहते हैं कि अच्छे फॉर्मुलेशन बनाना और सीखना, तो आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, मैं वीडियोस बना रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं सबको साथ लेके चलूँ,
जो नए हैं उनको भी और जो पुराने हैं जो सीखे सिखाएं, अगर उनको भी कोई समस्या है तो हमारे यहाँ पे फॉर्मुलेशंस लेके आप आ सकते हैं अपने। हम सिर्फ आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे और उसका सोल्यूशन दे देंगे बस। हमारे यहाँ लैब लगी है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से काम होता है, ओपन सिस्टम है। पहले दिन ही आपको मेरे से फॉर्मुलेशन मिल जाएगा, कोई बकवास नहीं है। सीधी बात मैं कर रहा हूँ कि आप जब आएंगे आप अपनी क्वालिटी मुझे दिखाएंगे, कोई समस्या होगी मैं उसको ठीक कर दूंगा, फॉर्मुलेशन साथ ही साथ दे दूंगा। उसके हिसाब से आप हमसे भी केमिकल ले सकते हैं या मार्केट से कहीं से भी ले सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हो, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। फॉर्मुलेशन सही कराने के लिए आपको हमारे ऑफिस तक आना पड़ेगा या अपने सैंपल्स भेजने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है। घर बैठे मैं कोशिश करूंगा कि जिनकी मैं मदद कर पाऊँ, लेकिन 90% जो हम लोग करते हैं वो सामने करते हैं, ताकि जो उसके रिजल्ट्स हो वो कस्टमर भी सीख पाए, समझ पाए, आगे उसको भी सीखने को मिले, ज्ञान मिले, क्या चीज़ की कमी थी ये आइडेंटिफाई करना है और कैसे उसको सही करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं, कानपुर में रनिंग ऑफिस है, हाइट्रान इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड फर्म का नाम है। 1967 से काम चल रहा है, हम लोग बिल्कुल नए नहीं हैं, हम लोग पुराने हैं। हाँ, नए यूट्यूब पे हैं, 3 साल से हैं यूट्यूब पे, लेकिन काम चल रहा है 1967 से। तो तीसरी पीढ़ी है हमारी, चौथी पीढ़ी हूँ मैं। 3 पीढ़ी तो मतलब मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, फिर ग्रैंडफादर, फिर फादर और मैं, तो तीसरी चौथी पीढ़ी हूँ मैं। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि जो भी चीज़ हम लोग आपको बता रहे हैं वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस्ड हैं, वो सारी चीज़ें जनरेशन से हमको पास ऑन हुई हैं और हम भी सीखते हैं और तभी हम आपको ट्रेनिंग देते हैं। रोज़ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, रोज़ रिसर्च चल रही है हमारे यहाँ पे, नई नई बातें हमारे सामने आती हैं। देखिए, आखिरी जो टॉपिक है हमारा वो है कॉस्मेटिक वैल्यू। अब देखिए, वॉशिंग पाउडर बन गया, अब इसमें देखिए परफ्यूम लोग डालते हैं, दाना डालते हैं, और आजकल लोग सिलिका इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि पाउडर में मॉइस्चर अगर आता है तो उसको सुखाने के लिए सिलिका डाल देते हैं। पहले तो डोलामाइट ज़्यादा डाल देते थे, उसी से सूख जाता था, लेकिन अब आजकल लोगों को पसंद में आ गया है, डोलामाइट नीचे बैठता है तो वो कम डालते हैं, तो सिलिका डालते हैं। 1% आधा परसेंट पड़ती है। तो ये पूरा जो सिस्टम है ये आज से नहीं, काफ़ी सालों से चला आ रहा है और हम भी इसी सिस्टम को प्रमोट भी करते हैं और फॉलो भी करते हैं। साथ ही साथ इसमें हमने कुछ नया वर्जन ऐड किया है जिससे कॉस्टिंग कम हो गई है, क्वालिटी इन्हेंस हो गई है, स्टेबिलिटी आई है, झाग में भी आई है, रेट में भी आई है और पूरे सिस्टम में आई है। कम आइटम आपको स्टॉक करना पड़ेगा, ऐसे आप देखोगे तो 14 से 15 आइटम है, उसमें 10-11 आइटम में भी आपका वॉशिंग पाउडर बन जाएगा। और भी कई लोग हैं हमसे कि इससे भी कम आइटम्स लेके जाते हैं, इससे वॉशिंग पाउडर बना लेते हैं, ये आपके ऊपर है। जैसे आप सीखना चाहेंगे वैसे हम आपको सिखाएंगे। पुराने लोग हैं, पुरानी फर्म है, पुराने टाइम से काम हो रहा है, एक्सपीरियंस लोग हमारे यहाँ पे जुड़े हैं, मल्टीनेशनल कंपनियों से लोग आके हमसे जुड़े हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं कानपुर में जो बड़े लेवल पर काम कर रही है, वो हमसे आके कंसल्टेंसी लेती है। उसके बाद दिल्ली से लोग आते हैं कंसल्टेंसी लेने, मुंबई से लोग आते हैं, हैदराबाद से आते हैं, कोलकाता से आते हैं, जम्मू कश्मीर तक से भी आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया से सभी जगह से लोग आ रहे हैं। आसाम से पार्टियां आती हैं हमारे पास कंसल्टेंसी लेती हैं, प्रोडक्ट लेती हैं हमारा। साउथ से, बैंगलोर वगैरह से लोग आके हमसे प्रोडक्ट लेते हैं। आप कभी हमारे ऑफिस आएंगे तो आपको सब चीज़ें दिखेंगी, यहाँ पे वर्किंग दिखेगी, रोज़ यहाँ पे काम होता दिखेगा। रोज़ यहाँ पे हम लोग 25 से 50 के बीच में लगभग डिस्पैचेस करते हैं ऑल ओवर इंडिया, इवन एक्सपोर्ट भी होता है हमारा, नेपाल जाता है, हमारा अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी माल जाता है। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, सीख सकते हैं और ज्ञान ले सकते हैं। ये सारा ज्ञान आपका भाई रोज़ यूट्यूब पे आता है, आपको चेहरा दिखा के काम करता है और मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपको बहुत सिंपल तरीके से चीज़ों को बताऊँ। सिंप्लिसिटी मैं रखता हूँ अपने व्यवहार में, अपने काम में, और ट्रांसपेरेंसी हमारी पूरी सिस्टम में है। तो आप आइए, सीखिए, आपका ही फ़ायदा है, पहले आपका फ़ायदा होगा। जो जो हमसे जुड़ रहे हैं, आप मेरे पुराने वीडियोस देखिए जाके, या आप मेरे कमेंट्स पढ़िए, टेस्टिमोनियल्स पढ़िए, आपको खुद समझ में आएगा कि हमारी कंपनी कितने लोगों का फ़ायदा रोज़ पहुँचा रही है। कोई बकवास नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं बताते हैं कि जो एग्जिस्ट नहीं करती है, बिल्कुल रियलिस्टिक सिंप्लीफाइड वे में आप लोगों को समझाता हूँ मैं। अगर इसके बाद भी कोई मन में डाउट हो तो कॉल करके पूछ लीजिए, पूछिए ज़रूर, क्योंकि जितना पूछेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा, आपको सीखने को मिलेगा। बाकी मैं डेली ऐसी वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, एक लाइक तो दोस्त बनता है, लाइक ज़रूर कर दीजिए, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए। देखिए, अब तक भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई की इतनी मेहनत बेकार जा रही है, 1 सेकेंड लगेगा, सब्सक्राइब बटन दोस्त दबा दो, नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है इससे अच्छा ज्ञान मिल जाए। तो सीखने को बहुत कुछ है, नया नया आपके पास आएगा,
पुराना और नया भी आएगा, तो सीखते रहिए, बने रहिए मेरे चैनल पे। मेरा नाम ऋषभ है, कंपनी का नाम है हाइट्रान इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कानपुर उत्तर प्रदेश में हमारा रनिंग ऑफिस है, और डेली वीडियोस लेके मैं आपके सामने फिर आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो, हैव अ गुड डे।